अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बात सुने सिस्टर्स, ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। तो ये हर ऑर्डर में ना आपने लाजमी क्या करें, चाहे मेरा ऑर्डर हो या किसी और का हो या अपना हो, ये एक हमारे काम के रिलेटेड नहीं है लेकिन एक अच्छी चीज़ है। ये देखें ना, आप जब अगर मैं इधर हूँ, अब मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पे नहीं समझ आ रही कि ये वाला जो है ये पासवर्ड है या यूज़र नेम है, और इसका भी समझ लो सेम है, मुझे नहीं पता कि ये पासवर्ड है या यूज़र नेम है। तो अगर हम देखो, ये जहाँ भी चले जाएँ, किसी भी रो में, तो हमें नहीं समझ आएगी। तो ये ऑनलाइन शीट है, इसका आपने क्या करना है, ये देखो यहाँ पे अगर बिल्कुल टॉप पे अगर मैं जाऊँ तो भी मुझे समझ आती है कि यूज़र नेम है ये पासवर्ड है। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं नज़र आता। तो ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है व्यू, देन फ्रीज क्लिक करना है, और उसके बाद फ्रीज पे क्लिक करके रो नंबर वन वन रो यहाँ पे क्लिक किया। तो अब देखें, अब मैं जहाँ भी किसी भी रो में जाऊँ तो ये मुझे पता चलेगा कि यूज़र नेम है, पासवर्ड, ईमेल है, जो भी मतलब हेडिंग होगी उसकी। देखें अब मैं लास्ट पे हूँ लेकिन मुझे रो नंबर फर्स्ट पहले नज़र आ रही है। ये ऑनलाइन शीट थी। अब मैं आपको एक्सेल का दिखाता हूँ, सेम थिंग। एक्सेल में भी देखो, अगर मैं नीचे जाता हूँ साइट्स में तो नहीं नज़र आता मुझे। तो एक्सेल फाइल है ये, आपने इसको देखना है यहाँ से। व्यू ये यहाँ पे देखें, ये लास्ट वाला है, ये जो ऊपर जा रहे हैं ना, ये यहाँ पे व्यूज व्यूज, उसके बाद ये फ्रीज पेंस, यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे सेकंड वाला मतलब जो बीच में है, फ्रीज टॉप रो, ये कर दिया आपने, ठीक है। तो ये एक्सेल फाइल में भी सेम हो जाएगा, मतलब जहाँ भी किसी भी रो में हो आप, तो आपको ये सारी समझ आएगी। तो ये लाजमी किया करो, क्योंकि जो हमारे जो काम है, हमारी जो ऑनलाइन शीट्स हैं या जो भी हैं, उनमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं हेडिंग्स, तो हमें ईजीली समझ आ जाएगी, ठीक है ना।